Next distribution that we will be doing is binomial distribution. Binomial. So, what do you understand by binomial distribution? It is nothing. बट सम ऑफ एन एन स्मॉल बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन बर्नोली डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या देखें कि एक ही पॉसिबल आउटकम है या तो सक्सेस या फेलियर मतलब वन थ्रो ऑफ क्विंग या तो हेड्स या तो टेल्स वन ऑपरेशन या तो इंसान सर्वाइव करेगा या मर जाएगा तो एक ट्रायल देर इज ओनली वन ट्रायल विच इज happening now here in binomial we say that there are n that there are n trials and these n trials are independent of each other meaning you throw a coin again you throw a coin again you throw a coin you throw it for n small n times clear understood so you throw a coin for small n times and each time you're throwing a coin, is Sunna. Each time you're throwing a, and each throw is independent of each other. First throw, second throw, there is no relation between the two. There is no dependency. And each throw, the probability of heads remains 0.5, tails remain 0 0.5, meaning the probability of success in each throw remains the same hence the probability remains identical the probability remains identical so we can say that these n trials are independent of each other and identical yes dono चीज है अब जब आप बोल रहे हो इंडिपेंडेंट ड्यू ऑल रिमेंबर हमने प्रोबेबिलिटी uh, चैप्टर में किया था इंडिपेंडेंट एंड नॉट इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट रूल व्हेन इट वाज इंडिपेंडेंट हम लोग क्या करे थे सिंपली मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी वाज प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट वही रूल हम लोग यहां लगा सकते हैं कि ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर तो हम लोग यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं सो so, लिखो लिखो बाइनोमियल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनोमियल इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्मॉल एन एन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल बर्नोली ऐसे लिखते हैं देखना बर्नौली ब्रैकेट में पी लिखो बेसिकली एक पी इज द पैरामीटर जो डिफाइन करते हैं बर्नौली को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम लोग पी ले रहे हैं सो so, मैंने क्या बोला बाइनोमियल इज अ सीक्वेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल बर्नौली पी ट्रायल्स ट्रायल्स हम लोग देखेंगे बाद में आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट को हम लोग आई आई डी बोलते हैं इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स ये हम लोग आगे जाके क्लियर है तो यहां आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा यहां जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे एन सी एक्स पी टू दी पार एक्स वन माइनस पी टू दी पार एक्स ऊपर में क्या था नहीं ऊपर में क्या था ऊपर में क्या था हम लोग ऊपर में क्या लिख रहे थे टू दी पार अब सपोज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाइनोमियल इज समे ऑफ यार एन ट्रायल्स एंड बर्नौली ट्रायल्स तो क्या हम लोग बोल सकते हैं अगर आप एन के जगह इधर वन डालोगे तो आपका क्या आएगा वन सी एक्स विच इज वन ठीक है पी टू दी पार एक्स वन माइनस पी टू दन माइनस एक्स ये ऊपर में बर्नौली वाला आया वेर एक्स केन टेक टू वैल्यू जीरो एंड वन यहां पे योर एक्स इज अगेन डिफाइंड एज नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स विच कैन बी जीरो वन डॉट 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 एन क्योंकि आपने एन टाइम्स कॉइन फेंका अगर हम x डिफाइन कर रहे हैं x यहां पे डिफाइन करो नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ सक्सेस एन एन ट्रायल्स आपने एन टाइम्स क्विंफे का कितने बार हेड्स आया जीरो आ सकता है वन हेड आ सकता है टू हेड आ सकता है या ऑल एन हेड्स आ सकता है एंड यहां पर पी हेज टू बी बिटवीन जीरो एंड वन बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी कॉपी कर लो ठीक है तो इसको ना हम लोग ऐसे लिखते हैं x फॉलोज बायनोमियल एन कॉमापी मतलब बाइनोमियल n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस नाउ हाउ एवर यू डिफाइन द सक्सेस टू बी

अब ये जो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखा है ना इसको अगर हम प्रूव करें इफ यू ओपन योर टेबल बुक ले लो आई थिंक एक टेबल बुक लेके आओ ना बाहर से इफ यू ओपन योर टेबल बुक आई थिंक पेज नंबर टू एक प्रूफ मैं करवा देती हूँ कि कहां से आ रहा है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा फिर तो इसमें a प्लस बी होल्ड टू दी पार एन इज ए टू दी पार एन प्लस एन ये पेज नंबर टू ऑफ टेबल बुक में देखो गिवन है कॉपी करो ऐसा कुछ होता है ठीक है और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं तुम लोग यूज करो वाला देखो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आ, पहले वाले को मैं ऐसे लिखू मतलब इसको इन्वर्ट कर देते हैं मैम सेकेंड टर्म विल बी स्क्वायर हाँ सॉरी बी स्क्वायर होगा यहाँ पे ये बी टू वन है अगर मैं इसको इन्वर्ट कर दू जैसे बी टू दार एन प्लस ऐसे उल्टा कर दू तो इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं एन सी जीरो ए टू दार जीरो बी टू दार एन प्लस एन सी वन ए टू दन बी टू दिन माइनस वन एंड दिस विल गो अपिल एन सी एन ए टू दिन एंड बी टू दाइनस एन विच इज जीरो उल्टा कर दिया मतलब ये पहले वाला टर्म आएगा आपका बी एन ये वाला टर्म आपका आएगा बी एन माइनस वन ए मतलब उल्टा कर दिया मैंने पीछे से बैकवर्ड सो दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज अगर हम इसको सिंगल टर्म ने लिखे समीशन एन सी एक्स मतलब ये जो जीरो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना ये आपका एन माइनस जीरो है ए टू पार एक्स बी टू पार एन माइनस एक्स वेर योर एक्स कोर्स फ्रॉम जीरो टू एन यही हो रहा है देख लो इसी का समिशन हो रहा है ये इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी होल टू दी पार एन का एक्सपेंशन है विच इज गिवन इन पेज नंबर टू ऑफ टेबल बुक नाउ इफ यू रिप्लेस ए विथ पी इफ यू रिप्लेस ए विथ पी एंड बी विथ क्यू क्यू को हम लोग यूजली वन माइनस यहां पर देखो एक बार यहां आ जाओ अगर मैं बोल रही हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वन माइनस पी विच इज ऑल्सो रिटर्न एज विच इज ऑल्सो रिटर्न एज क्यू लिख लो ठीक है मतलब दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज क्यू ये हम लोग टर्म डिफाइन करते हैं क्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर पी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वन माइनस पी इज फेलियर वन माइनस पी को हम क्यू से भी डिनोट करते हैं तो ले सपोज मैं ये सब्सिट्यूट कर रही हूं ठीक है तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं तो ये कैसा आएगा अब यहां पे p प्लस क्यू पी प्लस क्यू होल्ड टू दी पार एन सेम चीज है तो सेम चीज इधर लिखते हैं x कोस फ्रॉम जीरो टू एन एन सी एक्स पी टू दी पार एक्स वन माइनस पी या फिर q भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने q लिखा है q टू दी पार एन माइनस एक्स अब क्योंकि हमने बोला है कि वन बेसिकली वन माइनस पी इज इक्वल टू क्यू तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा पी प्लस वन माइनस पी वन हो गया वन टू द पार एन वन एंड दिस इज इंटायरली इक्वल टू समीशन ऑफ ये पूरा चीज देख लो ठीक है अगर ये पूरा सम करने से आपका वन आ रहा है वही तो होता है वेर योर एक्स गोर्स फ्रॉम जीरो से ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है ना आपने क्या किया आपने प्रोबेबिलिटी का टोटल कर दिया तो ही तो वन आएगा एंड दैट इज वाई योर पी एक्स इक्वल टू एक्स एन मतलब इधर पे सॉरी इधर ना एक चेंज कर दो मैंने भूल से लिख दिया प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स इज दिस क्योंकि अगर आप इस पूरे का सम कर रहे हो आप इस पूरे का सम करो तो वन आ रहा है ना मतलब ये तो आपका प्रोबेबिलिटी हुआ ना तभी हम लोग बोलते हैं ना समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू वन और यहाँ पे फॉर ऑल एक्स क्या है एक्स जीरो से एन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 एन तक प्रूव हुआ इज दिस क्लियर क्विकली अ थम्स अप क्विकली अ थम्स अप फ्रॉम ऑल ऑफ यू तो यहां आपका x क्या है x इज द नंबर ऑफ सक्सेज इन हाउ मेनी ट्रायल्स n ट्रायल्स n आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट ट्रायल्स तो यहां पे आपके दो पैरामीटर्स हो गए n एंड p n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कितनी बार कर रहे हो एंड p अब अगर हमें इसका अब अगर हमें इसका मीन एंड वेरियंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखो मीन जिसको हम लोग म्यू से भी लिख सकते हैं इज एन पी एन इन टू पी प्रूव अभी नहीं है इसका कर सकते हो प्रूफ बट नॉट रिक्वायर्ड कैसे प्रूफ कर सकते हो ऐसे समेशन ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स ये पूरा बड़ा सारा आएगा आप उसको एक्सपैंड करोगे आपका ये निकलेगा आंसर ठीक है एंड वेरियंस इज एन पी क्यू तो क्योंकि Q ये थोड़ा एक नोट जैसा हो गया क्योंकि हम बोल रहे हैं P एन Q आर वॉट नंबर्स बिटवीन जीरो टू वन इट्स डेसिमल नंबर्स बिटवीन जीरो टू वन तो हमेशा यूजुअली एंड टू एनी नंबर यू मल्टीप्लाई और डेसिमल नंबर बिटवीन जीरो एंड वन तो वो कम हो जाता है उसका वैल्यू है ना उसका वैल्यू कम हो जाता है तो एनपी हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एनपी क्यू तो हम लोग यूजअली क्या बोलते हैं मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेरस इन केस ऑफ बायनोम लिख लो इज दिस्ट क्लियोर एनी डाउट प्लीज चेक एक बार थम्सअप दे दो येस लिख दो इफ इट्स क्लियोर क्विकली क्विकली दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं चलो लेट एक्स फॉलोज बाय नॉमियल 12.5 कॉमा हाफ इसका क्या मतलब हुआ एन क्या है और पी क्या है हाफ पॉइंट फाइव ये निकालना है क्या था फॉर्मूला एनसी एक्स पी टू दन माइनस पी टू दार एन माइनस एक्स तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व सी फाइव पी टू दी पार एक्स ये जो एक्स आपका आ रहा है वन माइनस पी

पहले वाले का आगे पूरा कंप्लीट एटलीस्ट थ्री फोर बोलना चाहिए फिर एक सेकेंड रुक जाओ यहां पे कितने वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल है क्या क्या जीरो कौन बोलेगा सिक्सटीन वैल्यूज पॉसिबल है इलेवन वैल्यू सॉरी ठीक है ध्यान रखना हमेशा ये चीज कि अगर हम बोल रहे हैं x फॉलोज बाय n एन कॉमापी योर x कैन टेक वैल्यूज जीरो वन डॉट 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 एन तक क्योंकि n ट्रायल्स हैं तो जीरो सक्सेस वन सक्सेस डॉट डॉट एन सक्सेस इज पॉसिबल एन ई होता है एन सी ही होता है ठीक है चीके? तुम जितना नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहे जितना नंबर ऑफ सक्सेस वो अलग है दोनों अलग चीज है ये नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं जहां तुम एक्स क्या डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल्स तो ट्रायल्स तुम्हारा एनी है तुम दस बार ही थ्रो कर रहे हो कॉइन ये इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आप ट्वेल्व टाइम्स कॉइन थ्रो कर रहे हो हाउ मेनी टाइम्स यूर गेटिंग ऑर हेड्स तो यहां आपका सक्सेस इज हेड्स नंबर ऑफ हेड्स इन ट्वेल्व ट्रायल्स यहां आप बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइव हेड्स वेन यू आर थ्रोइंग ट्वेल्व टाइम्स द क्वाइन जीरो पॉइंट वन नाइन गेटिंग द पॉइंट येस और नो ठीक है ना ठीक है मैं लिखनी रही हूं बट आंसर इज जीरो पॉइंट टू जीरो वन थ्री टू ये वाला करो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन यहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपका प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है जीरो वन डॉट डॉ डॉट फाइव तो प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू क्या 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 पॉसिबिलिटीज है बोलो थ्री सबको ऐड कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू में थ्री फोर फाइव तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फाइव सी थ्री वन बाय टेन टू दी पार थ्री 9 बाय टेन टू दी पार फाइव माइनस थ्री ऐसे आप सबको करोगे और फाइनल आंसर बताना ये जो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन वाला है ना आगे जाके देखेंगे कि ये टेबल बुक में हम लोग को गिवन है क्लियर हुआ कितना आ रहा आंसर करेक्ट जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव सिक्स वेरी गुड ठीक है 0 .0 अब आ गया सबका थम्स अप दे दो एक और लास्ट सम क्या तुम लोग क्लास में आते ही क्यों मैं को तो ये नहीं समझ में आता एन कॉमापी ये हमें पता है लेट्स सपोज यू हैव बीन गिवन दैट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सेस फाइव एंड वेरियंस ऑफ एक्सेस फोर फाइंड एन फाइंड n कैसे करेंगे NP क्या होगा फाइव NPQ क्यू क्या होगा फोर दोनों को डिवाइड कर दो NPQ क्यू डिवाइडेड बाय NP, फोर बाय फाइव क्यू क्या आ रहा है तो पी क्या आएगा फो एन पी इज इक्वल टू फाइव है वे पी इज वन बाय फाइव तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ठीक है सिंपल वेरी गुड आरची कैम नेक्स्ट लिखो फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका जो डेफिनेशन है ना जैसे बर्नौली में क्या था बर्नौली कैसे समझ रहे थे आप लोग एक ट्रायल कर रहे हो एक हमेशा एक ही ट्रायल है एन इक्वल्स टू वन अच्छा यहां पे भी अगर हम लोग देखो एन इक्वल्स टू वन डालेंगे अगर हम लोग एन इक्वल्स वन डालेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा पी विच इज सेम एज बर्नोली है ना तो और वेरियंस क्या था पी इन टू वन माइनस पी विच इज पी इन टू क्यू एन इक्वल्स टू वन अब यहां जो मेट्रिक हाउ इट इज डिफरेंट जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा आइडेंटिफिकेशन होता है ना वो होता है हमारा फर्स्ट सक्सेस यहां पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि कितने ट्रायल्स हमें परफॉर्म करने हैं बिफोर वी गेट द फर्स्ट सक्सेस मतलब कितनी बार एग्जाम दें कि हमारा फर्स्ट क्लियर हो जाए सपोज मैं बोलूंगी मैंने तीन बार एग्जाम दिया तब जाके मेरा सीपी वन थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ सो so, नंबर ऑफ ट्रायल्स टिल योर फर्स्ट सक्सेस तो पहले डिफाइन करो फिर आगे करेंगे डिफाइन एक्स एक्स को लिखो नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच द फर्स्ट सक्सेस अकर्स नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच अकर्स फर्स्ट सक्सेस Occurs. अब अगर हम बोल रहे हैं कि x डिनोट्स थर्ड टर्म में मेरा cp1 निकला ट्रू honest स्टोरी है ये तो मेरा नंबर ऑफ फेल मतलब कितने बार मैं फेल हुई एक्स माइनस वन टाइम्स इफ आई एम डिफाइनिंग दिस एक्स इफ आई एम डिफाइनिंग दिस एक्स एज suppose सपोज फॉर मी x is three थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट माई फर्स्ट नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच यू अचीव योर फर्स्ट सक्सेस थर्ड ट्रायल में आई गॉट माई फर्स्ट सक्सेस दैट्स इट आई एम जस्ट बॉर्डोड विथ माई फर्स्ट सक्सेस आई डोंट केयर विल आई फॉर सीपी वन अगेन नेवर इन माई लाइफ ठीक है तो ऑब्वियसली तो यहां पे एक्स माइनस वन टाइम्स आई हैव वॉट फेल्ड एंड एक्सट टाइम पे आई पास गॉट माई सक्सेस स और नो तो इसका हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या मतलब इसका कि थर्ड अटेम्प्ट में आई वॉज एबल टू क्लियर क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ध्यान से सुनना पहले देख लो वन माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो वन माइनस पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू पार्ट टू लिखू मैं दो बार मैं फेल हुई अभी मत लिख एंड इन टू पी मै पास हुई तो यहां हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वन टाइम्स आई फेल्ड इन टू पी दिस इज हाउ यू डिफाइन ठीक है तो इसका नोटेशन क्या होता है इसका नोटेशन होता है x फॉलोज जियोमेट्रिक p व p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सो p प्लस क्यू इज वन गॉट इट अगेन यहां पे x इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स और यहां आपका x का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं बोलो क्या जीरो पॉसिबल है जीरो टाइम सीपी वन देखे क्या मैं पास हो सकती हूं वन टू कभी पास ही नहीं हुई इनफाइनाइट आई कैन ओनली टेक दिस मतलब एनी वन केन ओनली टेक दिस एग्जाम्पल आफ्टर दि क्लियोर एन एग्जाम तो अभी तुम लोग जिस पोजिशन पे खड़ा है आज के दिन पे तुम लोग एग्जाम्पल अभी ले नहीं सकते क्योंकि तुम लोग को तुम्हारा एक्स नहीं पता नहीं डिमोटिवेटिंग नहीं तुमको तुम्हारा एक्स नहीं पता ना अब तुम्हें एक्स वन है तुम्हारा एक्स टू है अब हम बोल देंगे की लेट्स सपोज आदित्य का एक्स थ्री है तो वो हम चिड़ जाएगा वो बोलेगा मैम गलत सलत बोल रही है क्लास में बोल रही है थर्ड ट्रायल में फर्स्ट सक्सेस हो रहा है पर हम नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे आदित्य का एक्स इक्वल टू वन है ठीक है ठीक है गॉट इट आर्ची विदांशी दो आर रिप्लाइंग इन द चार्ट बॉक्स अदर्स आर स्लीपिंग स्लीपी हेड्स क्लियर बोलो क्विकली एक्चुअली दिस इज माई फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए मैं इतना एक्साइटेड हो गई इजी नहीं है इजी नहीं है इजी नहीं है अभी इजी लग रहा है बट ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है एग्जाम में कोई आइडेंटिफाई नहीं कर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को कोई इज्जत ही नहीं देता बताए कोई आइडेंटिफाई ही नहीं करता है इसको ठीक है अब इसका अगर हम लोग ये हमारा इसको ना ऐसे कर दो ये हमारे एक इम्पोर्टेंट हमने वो किया प्रूफ सिमिलरली अगर, अगर अब हम इसका मीन बोलेंगे कि इसका मीन निकालना है तो इसका मीन क्या होगा इसको अगर आप लोग को प्रूफ करना आप लोग कर सकते हो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बना के जैसे कैसे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कोई भी मीन के लिए समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स सो लेट्स सपोज एक्सा क्या क्या पॉसिबिलिटी है वन वन टाइम पे सक्सेस हो गया तो वन इंटू सक्सेस पी प्लस टू इंटू पी वन माइनस पी प्लस थ्री मतलब थर्ड अटेम्प्ट में सक्सेस हुआ मतलब पी वन माइनस पी p पीपीपी कॉमन तो p, p, p आ गया एंड ये आपका इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगा जीपी सीरीज जहां पे आपका एंड एक्चुअली बताए सम ऑफ मतलब ये वैसे इनफाइनाइट नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे एक थ्री रहा है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा तो वो अगर आप लोग जिनको जिनको याद है सम ऑफ एपी जीपी अगर आप लोगों ने किया आप उसको यूज करके कर सकते हो जैसे ये एक बना लो फिर ये इसको यहां से एक बार और तोड़ना पड़ेगा फिर इसको यहां से एक बार और प्लस कर करके तोड़ना पड़ेगा तब जाके हर एक सीरीज जो बनेगा सब में आपका वन माइनस पी विल बी द कॉमन रेशियो एंड वैसे आपके इनफाइनाइट जीपी वैसे करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट कर सकते हैं बट नॉट इन द स्कोप ऑफ आर सिलेबस ठीक है तो ये आपने किया अब इसी का आप लोग वेरियंस लिख लो वन माइनस पी डिवाइडेड बाय पी स्क्र यह सब आपको टेबल बुक भी गिवन है मैं बता देती हूँ जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन ऑन पेज नाइन ठीक है वो बहुत छोटा सा लिखा है उस वो समझ आ जाएगा आप लोगों को इसलिए मैं ज्यादा अभी रेफर नहीं करी टेबल बुक एक बार सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे तब आप रेफर कर पाओगे इजीली क्लियर चलो अब दो तीन क्वेश्चन कर लो इसके भी नाउ क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक का क्या मीनिंग है वॉट इज आई नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच यू अचीव योर हमेशा याद रखना मेरा एग्जाम्पल ले लेना कि इन द थर्ड अटेम्प्ट आई क्लियर माई सी वन तो मेरा एक्स क्या हो गया थ्री एक्स माइनस वन नंबर ऑफ फेलियर्स क्या हो गया टू तो उसका कैसे बनेगा ऐसे आपका अब इसमें आ, चलो एक सम कर लेते हैं क्विकली लेट एक्स फॉलोज ज्योमेट्रिक ट्रिक वन बाई सिक्स इसमें वन बाई सिक्स क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बाई सिक्स क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी पास होने का जो भी एक्स का क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है कोई नहीं बोलेगा रुक जाओ एक्स का वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है संजना शो आर यू देयर इन द क्लास संजना आई डोंट थिंक सो डॉली माधुरिया आर यू देर इन क्लास नो आयुष भगत है बोलो क्या हुआ भाई एक्स के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं चार्ट बॉक्स में लिख दो शर्म आ रहा है तो बोलने में मेरे से कैसा शर्म ए मत क्या होगा एक्स का वैल्यूज सिक्स तुमको कैसे पता कि सिक्स में तुम वो जाएगा पास जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगेन यू आर रिज्यूमिंग एक चीज दो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है वन टू इन्फिनिटी यहां पे मैंने क्या लिखा ये वाला चीज पे हमेशा खास फोकस होना चाहिए कि आपको नहीं पता ना आप दिए जा रहे हो सीपी वन आप सीए फाइनल्स का एग्जाम दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो ठीक है इट्स लाइक दैट सो यू डोंट नो वन टू थ्री फोर इनफाइनाइट गॉट इट ऑल ऑफ यू क्लास के एंड में रिविजन होगा जो आंसर नहीं दे पाएगा उसको हम लोग क्लास में बुला के उसका हम लोग वो करेंगे मतलब मजाक उड़ाएंगे उसका स्टार्टिंग में तदित्य तुम इधर बैठेगा और तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग गर्ल्स को मैं नहीं टीस करती हूँ गर्ल्स आर गुड तो उनको मैं कुछ नहीं बोलूंगी ये चलो निकालो देखो तो खुद से होता है कि नहीं अब देखो इसको कैसे करेंगे आंचल ने आंसर तो दिया है बट सम हाउ माई आंसर रिटर्न डिफरेंट फॉर्मेट आई कान टेल यू नाउ हो सकता है तुमने सही बोला x इक्वल्स क्या क्या होगा सिक्स सेवन कहां तक बोलो इन्फिनी ये लिखते नहीं है ऐसे बट चलो ठीक है इन्फिनी तक अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं सिक्स ट्रायल पे सिक्स ट्रायल पे हमारा सक्सेस हुआ तो वन माइनस पी टू दी पार फाइव फाइव ट्रायल्स वर ऑफ फेल्योर प्लस वन माइनस पी सिक्स ट्रायल्स वर ऑफ फेल्योर प्लस यहाँ पे आप लिख रहे हो सेवन ट्रायल्स वर ऑफ फेल्योर तो यहाँ पे क्या हम लोग p और ये इसको लेते सपोज q ले लेते हैं हम लोग क्या क्यू टू दी पार फाइव को कॉमन ले सकते हैं क्या बचा वन प्लस क्यू टू दी पार प्लस क्यू टू दू डॉट 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 अंदर क्या बन गया सम ऑफ जीपी सीरीज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज क्या होता है कैसे लिखते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज ए बाय वन माइनस आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज ए बाय वन माइनस आर नॉट एन वन माइनस आर विदांशी तो यहां पे क्या हो जाएगा ए इज वन क्यू आर इज क्यू कॉमन रेशियो वन माइनस क्यू तो आपका क्या आ रहा है वन माइनस क्यू और पी कैंसिल आउट हो जाएगा ना ये क्या हो जाएगा पी क्यू टू दी पार फाइव इज वन बाय पी तो पी पी कैंसल आउट हो जाएगा क्या बचा क्यू टू दाइव विच इज वन क्यू क्या है फाइव बाय सिक्स है ना क्योंकि पी था वो तो तो इसका आंसर क्या आ रहा है बताना जीरो पॉइंट फोर जीरो वन देख लो सब लोग आर यू ऑल गेटिंग दिस आंसर हाँ वो भी कर सकते तो ये बोल रहे है वेरी गुड ये भी अप्रोच सही है ये बोल रहे मैम ऐसे कर सकते थे वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल्स टू फाइव क्योंकि फाइव को इंक्लूड करना है मतलब हटाना है सॉरी फाइव को हटाना है तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी एवलीटी इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव वो आप लोगों लोग वैसे भी कर सकते हैं दोनों तरीका सही है दोनों तरीका सही है देख लो ये ये वाला तरीका बल्कि बहुत अच्छा भी है देख लो दोनों तरीके से कर सकते हो क्लियर है बोलो यस और नो यस और नो अब एक क्वेश्चन लिखो एक और एक बहुत अच्छा चीज प्रूव करेंगे इफ द प्रोबेबिलिटी सुन लो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल और अ फीमेल इज इक्वल या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड होने का प्रोबेबिलिटी इक्वल है कैलक्यूलेट लिखो कैलक्यूलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमेन्स फोर्थ चाइल्ड अ वुमेन्स फोर्थ चाइल्ड

है ना दैट्स द फर्स्ट सक्सेस दिस फॉलोज ज्योमेट्रिक हाफ क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं फीमेल या मेल होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है ये आ गया अब हम लोग बोल रहे हैं कि फोर्थ चाइल्ड मतलब फोर्थ ट्रायल इज द फर्स्ट सक्सेस तो हम लोग क्या बोल रहे हैं हम लोग को क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू थ्री की फोर फोर होगा ना क्योंकि हमने एक्स को कैसे डिफाइन किया लिखो नंबर ऑफ ट्रायल वेन यू हैव योर फर्स्ट सन तो फोर्थ ट्रायल पे यू हैव योर फर्स्ट सन इसको आप कैसे लिखोगे पी टू पार वन वन माइनस क्यू टू पार थ्री अब एक चीज प्रूफ करना है मेरे को क्लियर है अब एक चीज प्रूफ करना है मेरे को देखो कंसिडर हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया है एक बार सुन लो इसका मीनिंग इसका मीनिंग मैं बोल रही हूँ एन सक्सेसिस इसका मीनिंग इसमें लिखो चलो लिखो गिवन 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 दैट देर उटक्स uh, n, n n, n अगर एक सक्सेस आ जाता है तो बर्नौली खत्म ना सॉरी ज्योमेट्रिक खत्म ना अगर हमारा फर्स्ट सक्सेस आ जाता है मैंने एक बार एग्जाम क्लियर कर दिया जो मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन खत्म तो मैं क्या बोल रही हूं गिविन दर देयर हैव ऑलरेडी बिन इन ट्रायल्स विदाउट सक्सेस विदाउट अ सक्सेस कॉमा वॉट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन एक्स स्मॉल एक्स मोर देन स्मॉल एक्स ट्रायल्स एडिशनल ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ सक्सेस What is the probability that more than x additional trials are required to get a success? क्या क्वेश्चन है कोई बता सकते हैं? मान लो मैंने बोला कि n attempts already मैंने दे चुके हैं मैंने चार attempt already दे दिया या फिर मान लो मैंने चार ये अटेम्प्ट वाला चीज थोड़ा अजीब है ऐसे सोचो कि मैंने चार बार ऑलरेडी डाइस थ्रो कर दिया हेड्स नहीं आया हेड्स इज द सक्सेस मैंने चार बार कॉइन कॉइन थ्रो कर दिया हेड्स नहीं आया चार बार कर दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की और एडिशनल तीन बार करना पड़ेगा कि मुझे सक्सेस मिले क्या बोले वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन मतलब मोर देन तीन और करना पड़ेगा मतलब तीन बार और करने से भी नहीं आ रहे मोर देन करना पड़ेगा कि हेड एक बार क्वेश्चन रीड करो दोबारा से गिव इन एन ट्रायल हो चुका है जहां पे सक्सेस नहीं आया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की और मोर मोर वर्ड पे अंडरलाइन करो मोर एक्स ट्रायल करना होगा कि मेरे को सक्सेस मिले मतलब मिनिमम एक्स और करना पड़ेगा एक्स में भी नहीं आएगा और अब आप लोगों ने क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी फिर हमने प्रूव किया था कि इफ इट्स इंडिपेंडेंट तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ए बी वो वाला चीज अलग है बट ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो यहां पे भी क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर than एक बार देख लो सुन लो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा x प्लस एन इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन n डिवाइडेड बाय अभी लिखना मत क्या ऊपर वाले का इंटरसेक्शन इज दिस कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन इज द कॉमन पॉइंट तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एन मतलब फोर ट्रायल्स हो चुका है जो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन सेवन आपका फोर है यह आपका फोर प्लस थ्री है ग्रेटर देन सेवन तो ये एक्स ग्रेटर देन सेवन ही तो वन क्योंकि सेवन तक तो अभी भी आपको सक्सेस नहीं आया सेवन तक तो अभी भी आपको सक्सेस नहीं आया है और प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखें तो उसका क्या होगा अभी तक सक्सेस नहीं आया है मैंने देख लो यहां पे आप लोग को सिखा दिया है दिस जब मैंने ये किया एक बार देख लो जब मैंने ये ग्रेटर देन फाइव किया जब ये मैंने ग्रेटर देन फाइव किया दिस इज आइडियली वॉट दिस इज आइडियली क्यू टू दी पार फाइव मतलब पांच बार में सक्सेस नहीं आया पांच ट्रायल्स हो गए फिर तुम इतना ही ऑन रहे पानी पी पांच बार ट्रायल हो चुका है और सक्सेस नहीं आया तो क्यू टू दर फाइव होगा ना वन माइनस पी टू दी पार फाइव हो रहा है ये लिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग एक लिख सकते हो नोट बना के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने बोल दिया है कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन x नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन इज वन माइनस पी टू दी पार एक्स हम बोल रहे हैं पांच बार ट्रायल हो गया सक्सेस नहीं मिला वन माइनस पी टू दी ये आप लोग नोट बना के लिख लो ठीक है अब आ जाओ नीचे अब यहां हम लोग क्या बोल रहे हैं सेम चीज हम लोग यहां प्रूफ करेंगे यहां अगर हम लोग वो ऊपर वाला प्रूफ ले वन माइनस पी होल टू दी पार एक्स प्लस एन आएगा वन माइनस पी होल्ड टू दिन आएगा काट कार्ट के क्या रहा वन माइनस पी होल टू दिच इज एक्चुअली इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स सो वॉट आर वी प्रूविंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस विच बेसिकली मीन्स वॉट समझो गिव चार ट्रायल ऑलरेडी हो चुके हैं गिव इन एन ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मिनिमम और मेरे को तीन ट्रायल्स मतलब मोर देन तीन ट्रायल्स चाहिए तो पीछे जो हो चुका है उससे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आइडेंटिकल तो पिछले बार अगर मैंने इसीलिए अब सुनो अब इसको कैसे रिलेट कराएंगे अगर जब आप सपोज आप ना कैसीनो जाते हो गेम खेलते हो वहां पे आप क्विंग फेंक रहे हो सिक्स आना इज द सक्सेस तीन बार चार बार हमने फेंका कॉइन सिक्स नहीं आया अब पता है कोई बोलेगा अब तेरा सिक्स आएगा कोई लॉजिक बन रहा है भाई ट्रायल इंडिपेंडेंट है प्रोबेबिलिटी अभी भी सिक्स आने का वन बाई सिक्स ही है अगर मैंने चार बार कॉइन अगर मैंने चार बार डाइस फेंका सिक्स नहीं आया डज नॉट मीन कि फिफ्थ टाइम फेंकेंगे तो सिक्स आएगा क्योंकि अभी आप फिफ्थ टाइम फेंकोगे तो भी आपका प्रोबेबिलिटी सिक्स आने का क्या है तो पिछले में क्या हुआ अब अगर हम लोग आज जब खड़े अभी कसीनो में तो आपसे कोई आके आपको बोलेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि चार बार आपने फेंका आपका सक्सेस नहीं आया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मोर तीन बार आपको तीन बार से ज्यादा आपको फेंकना पड़े कि आपका सक्सेस आए तो पहले क्या हुआ उससे फर्क नहीं है बिकॉज ऑल आर इंडिपेंडेंट तो ये जब हम लोग लूडो खेलते हैं ठीक है दो झूप प्ले लूडो आप लोग फेक सिक्स फेंकते तो, तो आपका कोई वो बाहर निकलता है ना तो हम लोग क्या बोलते हैं तीन बार नहीं आया बोले अब, अब तेरा आने का चांस है डस डस इट मेक एनी सेंस नाउ यू नो इट नॉट मेक एनी सेंस अभी तक हम लोग ऐसे ही खेलते आ रहे थे अब आएगा सिक्स इतने बार नहीं है अब आएगा प्रोबेबिलिटी इज वन बाय सिक्स ओनली गॉट इट तो पिछले क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बींग ग्रेटर देन एक्सप्ल एन गिव इन ये चीज गिव है इससे फर्क नहीं पड़ा इसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है कि वो आपका इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर पिछले बार जो हुआ उससे अब क्या होगा फर्क नहीं पड़ता क्या है ना एक चीज और देख लो थोड़ा ट्रिकी अगेन अगर अब मैं डिफाइन करूं लेट वाई लेट कैपिटल वाई बी लेट कैपिटल वाई बी नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस तो क्या ये जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच आई गेट माई फर्स्ट सक्सेस मैंने बोला मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया तो x माइनस वन वॉस टू तो क्या ये y टू है क्या लिखा तुम लोगों ने y लिखो ये लि... भाई मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस y को डिफाइन करो नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट ये नया से बना के लिखो कैपिटल y बी द नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस तो यहां पे y इक्वल वाई विल बी p इंटू वन माइनस पी टू दी पार y क्योंकि y को हम लोग क्या बोल रहे हैं नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर द फर्स्ट फेलियर सेम तरीके से डिफाइन हो रहा है वहां पे x डिफाइन हुआ था नंबर ऑफ ट्रायल ऑन विच यू अचीव योर फर्स्ट सक्सेस और यहां y इज द नंबर ऑफ सक्सेस नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर योर फर्स्ट सक्सेस तो योर वाई इज ऑलवेज एक्स माइनस वन योर वाई इज ऑलवेज एक्स माइनस वन तो अगेन कितना पॉसिबिलिटीज है इनफाइनाइट सो वाई को हम डिफाइन करें एक्स माइनस वन इस केस में हमारा जो मीन ऑफ सॉरी मीन ऑफ वाई होगा क्या होगा मीन ऑफ एक्स माइनस वन ऐसे करते थे मीन ऑफ एक्स क्या लिखवाया था मैंने ऊपर वन बाय पी माइनस वन वन माइनस पी बाय पी आर है बस कुछ नहीं ट्विस्ट एंड टर्न थिंग्स जस्ट ट्विस्ट एंड टर्न थिंग्स टू गेट द आंसर क्लियर बोलो एनी डाउट